उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने संबल हिंसा के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। संबल हिंसा को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्होंने न्यायिक आयोग गठन की मांग की। वहीं दोनों दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने के लिए कहा, जिसमें संबल में दलित और मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं की बात की है। वहाँ पर दंगा हुआ, दंगे में जो जाने गई वो प्रशासन के गलत मैनेजमेंट के कारण गई। इस पर सोचने का विषय है कि ये किसके सारे पर हो रहा और सिर्फ एक समाज को टारगेट करना कहाँ तक सही है, इस पर सोचने का विषय है। तो इसी आधार पर हम आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जो वहाँ पर लोग गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, घरों से निकाल करके पकड़ा जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमारी सरकार से मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहाँ पर जांच हो, जिससे पारदर्शिता के साथ समाज को न्याय मिल सके। डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन संभल मामले में, संभल में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में ये कहा गया है, 1951 में जो कहा गया था लिखित में है कि जो 1947 के पहले का देश था, जिस दशा में था उसी दशा में रहेगा, किसी तरह का धार्मिक और किसी तरह का उस तरह का इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिर भी सरकार जो है संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए संभल में सर्वे करा रही और निर्दोष लोगों की हत्या की गई। जो तीन लोग मारे गए हैं, वहाँ का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे बाजारें बंद हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं, डर का भय का माहौल व्याप्त है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगी, सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी। हम चाहते हैं कि यह देश संविधान से चले। हम संवैधानिक में के दायरे में रहते हुए हर गरीब शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ेंगे और आगे इसको लड़ते रहेंगे। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इसकी जाँच कराई जाए और निष्पक्ष जाँच हो। जिस तरीके संबल में माहौल व्याप्त है, वहाँ भय का माहौल व्याप्त है, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हम लोगों की मांग है कि उचित न्याय किया जाए और सबको सम्मान, सबको बराबरी दी जाए, तभी देश विकसित होगा। अगर एक वर्ग को, एक समाज को हम काट करके देश से अलग रखने का काम करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी को लेकर के आज हम लोग एकत्रित हुए और हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये आह्वान करती है कि यदि एक वर्ग के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग बड़े धरना प्रदर्शन के रूप अपना। नेशन मिरर के लिए हमीरपुर से स्वनीश कुमार की रिपोर्ट।